वी आर डिस्कस हियर एसएससी जेई एग्जाम्स आई थिंक 1 या 2 मंथ लेफ्ट आप मई एंड जून तो अप्रैल एंड मई एंड नियर अबाउट 2 मंथ्स यू हैव लेस देन 2 मंथ्स हाउ टू क्रैक इन फ्यू मंथ्स तो वी आर डिस्कस हियर तो कैसे हो सभी लोग देखो एसएससी जेई एक ऐसा एग्ज़ाम है अब ऐसा जो लॉट ऑफ स्टूडेंट मतलब बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं इस पर फोकस करते हैं इसके पीछे रीज़न बहुत सारे हैं क्योंकि अगर एसएससी जेई पे आप बात किया जाए एसएससी जेई में प्रॉब्लम ये चीज़ हो गई है कि यार एक अच्छा पहले नंबर सैलरीज भी है और एक अच्छी जॉब भी है जूनियर इंजीनियर की तो उसमें ये चीज़ें होती हैं कि यार अगर आप जेई पे फोकस करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको फैसिलिटी मिलती है वन ऑफ द बेस्ट सेंट्रल जॉब होती है तो लोग फोकस करते हैं और जेई की बात किया जाए इसमें जो है कि यार प्रॉब्लम ये है कि आपके कंपटीशन क्यों हाई हो रहा है क्योंकि यार देखो यार इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो IITs वाले हैं NITs वाले आल्सो घुस रहे हैं क्योंकि यार ये एक अच्छी जॉब है ना यार बेकार जॉब ना 60-70 हज़ार आपकी सैलरीज है क्या चाहिए मानता हूँ कि IITs वालों के लिए कम IITs NITs वाले के लिए कम पैकेज है बट यार नीडेड टू द गवर्नमेंट जॉब एवरीवन बिकॉज ऑफ न्यू कि जैसे कि पैंडेमिक में आपने देखा कि कैसे कोविड के टाइम पे लोगों को निकाला गया जॉब से और अभी भी AI का जो खतरा है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का जैसे खतरा बढ़ता जा रहा है सारे IITs वाले डर भी रहे हैं अगर हम गवर्नमेंट जॉब सेक्टर में नहीं जाएंगे तो प्राइवेट सेक्टर में मेरी जॉब के लिए हमेशा खतरा रहेगा ऑब्वियसली यार मतलब हम तो छोटे जो कॉलेज वाले उनके लिए तो है ही जो बड़े कॉलेज उनको भी खतरा हो रहा है इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली जो बहुत सारे ऐसे IITians हैं NITians हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में घुस रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में यार घुस गए तो निकालना बहुत मुश्किल है ना तो एक बार कोई निकाल नहीं सकता ना फिर एक बार गवर्नमेंट सेक्टर में SSC JEE बन गए तो कोई निकाल नहीं सकता है तो इसीलिए लोग खुद IITs वाले जो हैं वो भी जा रहे हैं क्योंकि यार देखो सैलरीज भी है प्रमोशन भी है और एक सिक्योर जॉब हो जा रही है इसीलिए कंपटीशन जो लोअर लेवल के स्टूडेंट उनके लिए प्रॉब्लम होती जा रही है धीरे धीरे कंपटीशन सो हाई कट ऑफ इस बार देखना और ज़्यादा जाएगा कट ऑफ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ना अब इसके पीछे वही लॉजिक है कि यार देखो यार IITs वाले जो है उनके कॉन्सेप्ट कितने तगड़े होते हैं कि वो फोड़ फाड़ देते हैं अच्छे मार्क्स लाते हैं तो उनके लिए तो वो दिक्कत नहीं है बट प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे जो डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट हैं बेचारे पॉलिटेक्निक कर रखे हैं BTech थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड कॉलेज से कर रखे हैं उनके लिए प्रॉब्लम तो है क्योंकि उनके लिए प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि यार वो बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते कितना भी मेहनत कर ले बट IITs इतना सारा पढ़ लेते हैं 4 साल प्लस कोचिंग गेट SSC का करते हैं प्लस SSC JEE में घुस भी जाते हैं तो ये सारी चीज़ें दिक्कतें हैं जो कह सकते हो इन सारी चीज़ों से निकलने के लिए आपको तो हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी और उनको वीट करना इट इज़ नॉट ईजी अगर आप उन लोगों को वीट करना है तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करनी ही करनी पड़ेगी ठीक है तो यही कहूँगा यार और SSC JEE क्रैक करने के लिए मोस्टली आप टेस्ट सीरीज दीजिए टेस्ट सीरीज के लिए मैं बताऊँगा कि यार PW एक बेस्ट ऑप्शन है फिज़िक्स वाला में आप बहुत सारा एक अच्छा ऑप्शन देता है फिज़िक्स वाला के साथ लोग फिज़िक्स वाला वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है करेंटली आपको पता है कि फिज़िक्स वाला के साथ इतने सारे स्टूडेंट जो SSC JEE का प्रिपरेशन करते हैं और टेस्ट सीरीज भी उन्हीं का लेते हैं क्योंकि जहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं वहाँ पे नंबर ऑफ़ वैरायटी मिल जाते हैं नंबर ऑफ़ वैरायटी क्वेश्चन अच्छे मिलते हैं उनके कॉन्सेप्ट अच्छे वहाँ पे क्वेश्चन अच्छे बनाए जा रहे हैं तो मिक्सअप क्वेश्चन होते हैं टफ़ ईजी एंड मॉडरेट सारे क्वेश्चन वहाँ पे अवेलेबल हैं तो इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हो ओके तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे इन चीज़ों को क्योंकि अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं दोगे और डायरेक्टली एग्ज़ाम में बैठोगे
तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, क्योंकि आप अगर टाइम, देखो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, आप क्वेश्चन सारे लगा लेते हो, बट आप टाइम मैनेजमेंट एसएससी जेई में नहीं कर पाओगे। एसएससी जेई टोटली टाइम मैनेजमेंट, और देखो यार कॉन्सेप्ट बिल्ट है आपको, अगर आपको स्पीड अच्छी करनी है तो आपको आपको टेस्ट सीरीज तो देनी ही पड़ेगी। टेस्ट सीरीज आप 2 घंटे का पूरा फुल मॉक टेस्ट दो, उसमें आपकी एक्यूरेसी पता चलेगी, कितना गलतियां कर रहे हो, कितनी टाइम मैनेज कर पा रहे हो, क्योंकि वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं किसी भी एस्पिरेंट के लिए। अगर अगर वहाँ पे अच्छा कर रहे हो तो आपके मेन एग्ज़ाम में भी अच्छा कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज हमेशा सारे टॉपर्स 99% टॉपर कहेंगे कि आप टेस्ट सीरीज दो, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग और एक्यूरेसी की बात आ जाती है। टाइमिंग आपकी अच्छी नहीं है तो यहाँ फंस जाओगे। ओके, तो मैं कहूँगा कि यार आप टाइमिंग दो, टाइमिंग अच्छा करो, अच्छा वर्क करो इस पर, कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, क्योंकि एसएससी जेई अब टोटली रटने वाली चीज़ें नहीं है। क्वेश्चन अच्छे आते हैं और आपके न्यूमेरिकल्स अच्छे आते हैं, तो नीड टू द मोर कॉन्सेप्ट एंड विजुलाइजेशन एवरीथिंग। इफ यू आर नॉट डूइंग द दिस थिंग टोन, दैट इज़ अ वेरी प्रॉब्लम फॉर यू। ओके, तो आई थिंक यू आर डूइंग दिस थिंग, एंड टेस्ट सीरीज देना फुल शुरू कर दो, एकदम फुल्ली टेस्ट सीरीज दो, ये जितना हो सके उतना टेस्ट सीरीज दो, और अपना एक टाइमिंग बना लो, फिक्स टाइम बना लो, टेस्ट सीरीज दो, उस पर काम करो, गलतियाँ को इम्प्रूवमेंट करें। यू हैव 2 मंथ, एंड चीज़ों को एक्सप्लोर करो, रीजनिंग पे फोकस करो, रीजनिंग जितना हो सके उतना लगाओ अभी टेस्ट, सिर्फ रीजनिंग। देखो रीजनिंग क्या है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ठीक है मैं मानता हूँ, बट रीजनिंग टोटली डिपेंड करेगा कितना आपने उस पर हार्ड वर्किंग किया है। अगर आपने अच्छा हार्ड वर्किंग किया है टेस्ट सीरीज तो आप अच्छे खासे, देखो यार अगर आपको मतलब प्योरली सिलेक्शन लेना है CPWD या अलग में थोड़ा बहुत अच्छे में, तो आपको रीजनिंग या जस्ट आपको VRO भी मिलता है तो आपको रीजनिंग में 40+ मार्क्स लाने पड़ेंगे, 40+ +20, और प्लस आपको टेक्निकल आल्सो यू आर 60+ मार्क्स, 60+ 40, 100+ 20, 122-123 मार्क्स। ओके, देन यू विल बी सेलेक्टेड, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल गाइज। ओके, तो मैं यही कहूँगा कि यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सर मैंने HPCL में ऑफिसर मैकेनिकल के लिए सेलेक्ट हो गया हूँ तो मुझे SSC JEE CPT में फोकस करना चाहिए? नहीं यार, HPCL में हो गया ऑफिसर मैकेनिकल में तो भाई आप करो भाई जॉब, क्यों? HPCL तो इज़ गुड, आपके पास अच्छे पैकेज होंगे, मेडिकल्स अच्छे होंगे, आपको रहने के लिए अच्छी, मतलब क्योंकि PSU जॉब में थोड़ी सी रहती है, बट HPCL में आपका हो गया तो वरुण यादव तो यार उसी पे फोकस करो, CPWD भूल जाओ यार, लिव इट यार, आप उस पे फोकस करो, अगर बड़े एग्ज़ाम पे फोकस करो, ठीक है? तो आप उसको छोड़ दीजिए, आप आगे कोई अच्छा एग्ज़ाम पे फोकस कर सकते हो, ठीक है? एक इंजीनियरिंग में आप HPCL इज़ द, आपका HPCL अच्छी जगह है, HPCL एक अच्छी PSUs कंपनी है, आपको मेडिकल्स मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। सर CPWD में सर सोच रहा था थोड़ा ब्लैक मनी, अरे यार ये सब चीज़ें मत सोचो यार, डोंट नीड टू द ब्लैक मनी यार, आप अच्छे अपने अच्छे इंजीनियर्स बनो यार। देखो सब ब्लैक मनी के बारे में सोचेगा तो देश कैसे चलेगा यार, लूटना नहीं चाहिए यार, अगर आप लूट ही मचा रखोगे तो भाई क्या होगा, आप जैसे लोग ऐसे ही लूट मचा। HPCL में करो जॉब यार, अच्छी जॉब है आपको। सर RRBJ कब आए? मनी आएगा, जल्दी आएगा, RRBJ जल्दी आएगा, उस पर भी अभी आफ्टर इलेक्शन सितंबर अक्टूबर में आपको वो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा वेट करो, ठीक है? सितंबर अक्टूबर तक आएगा। सर HPCL में हो के आप जहाँ हैं वहाँ ब्लड ले पाओगे यार? सब कुछ ले पाओगे यार, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आपकी पैकेज कितनी है अभी? कितनी पैकेज की आपकी मिली है, कितनी सैलरी मिली है, मतलब पैकेज क्या है आपकी? सिलेबस 17 लाख का, 17? आप किसके बेसिस पे हुए भैया? गेट आउट के, गेट के थ्रू हुए हो क्या? HPCL में अगर इतना 17 लाख का पैकेज मिला तो ओनली फॉर गेट के थ्रू ही मिल सकता है, अदरवाइज आपको CBT हुआ था। 17 लाख का पैकेज CBT HPCL में?
चलो यार आप मैसेज करो, आप मैसेज करो, देखते हैं यार CVT प्लस GT प्लस PI। चलो अच्छी बात है, 17 लाख का पैकेज है तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए अरुण यादव जी, बहुत अच्छा है, कंग्रेचुलेशन, बधाई हो। और आप अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हो तो आइए YouTube पे दीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट को आप इंस्पायर कीजिए अपने थ्रू, और उससे बहुत ज़्यादा लोगों का बेनिफिट होगा। और अपना डिटेल्स भेजिए और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा करेगा अरुण यादव, क्योंकि आप पुराने हो तो अच्छा है। 17 लाख इज़ द गुड अमाउंट, आप कहीं भी ले सकते हो। सर आप अपना नंबर दीजिए, आपसे कॉन्टेक्ट करूँ, क्योंकि मैं 2020 से प्रिपेयर कर रहा था। कोई बात नहीं यार, आपका हो गया ना आप सिलेक्शन, HPCL में 17 लाख का पैकेज आया है। कब कहाँ पे आपको ज्वाइनिंग मिली है, ज्वाइनिंग आपको कहाँ पे मिली है, किस लोकेशन पे? नंबर तो मेरा है यार, नंबर तो मेरा ऐसे भी मिल जाएगा यार, 9621198298, मतलब आपको नंबर फेमस है यार, नंबर तो आपको मिल जाएगा। लिंक डिस, सर ज्वाइनिंग अभी नहीं मिला है, उसी का वेट है। ओके चलो मिल जाएगा यार, जल्दी मिल जाएगा ज्वाइनिंग। आप क्या 17 लाख का पैकेज बहुत अच्छा अमाउंट है, और किसी इंजीनियरिंग फील्ड में इतना मिलना, मतलब एज ए फ्रेशर इज़ द गुड अमाउंट, जो गेट के थ्रू जाते हैं ना उनको भी नहीं मिलता है। आप IOCL OCL में जाओगे 12-13 लाख का पैकेज होता है, बाकी और जगह जाओगे 13-14 लाख का पैकेज होता है, बट 17 लाख इज़ द गुड अमाउंट। प्लस आपको मेडिकल्स मिलते हैं रहने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो HPCL आपके लिए बहुत अच्छा है यार, तो आप कीप ऑन करिए और उसी में बने रहिए, ठीक है? और बट आपसे यही कहूँगा कि यार थोड़ा बहुत इंटरव्यू अगर देना चाहते हो तो आप एक बार ज़रूर आइए और लोगों को इंस्पायर कीजिए। टेक्निकल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे कैसे आपने क्रैक किया, क्या आपकी स्ट्रेटजी थी, इन सारी चीज़ों को आप भेज सकते हो। सर रिसेप्शन लग दिया था नोटिफिकेशन, बाकी मैं आपसे व्हाट्सएप पर बात करूँगा, ठीक है? आप व्हाट्सअप कर देना, मेरा नंबर मिल जाएगा आपको, या टेलीग्राम ग्रुप पे 9621198298 पे आप करिए, ठीक है? चलो देखो यार बहुत अच्छा पैकेज है, तो CPWD में इतने पैकेज नहीं मिलेंगे भैया, CPW में 50-60 का पैकेज मिलेगा। से अगर 17 लाख का पैकेज है तो CPWD आपको कितना देगी, SSC JEE के पैकेज कितने हो गए, 50-60 हज़ार आपको इन हैंड मिलेगा। सर स्टेट पे फोकस करना चाहिए क्या? अरे यार देखो यार, अगर आप PSUs में जॉब करते हो ना तो स्टेट में क्या है यार, स्टेट में सैलरी तो बहुत कम होती है। हाँ आप 2 नंबर के पैसे अर्न कर सकते हो, यही पे फोकस कर सकते हो, स्टेट एग्ज़ाम यही पे कर सकते हो, यही में हाँ सैलरी कम होती है, बट आप जो कह रहे थे ब्लैक मनी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाँ तो वो चीज़ें हो सकती है, ठीक है? चलो वरुण यादव जी ऑल द बेस्ट एवरीवन, और व्हाट्सअप करिएगा अरुण यादव जी, आपके फाइनल सिलेक्शन देखते हैं क्या है, ठीक है? चलो ऑल द बेस्ट।